हे गाइस, वेलकम टू यार के मोटो ब्लॉग्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले भाई किया सोनेट के एसटीके प्लस मॉडल के बारे में। तो ये जो सामने आप गाड़ी देख रहे हैं, ये इसका आता है एसटीके प्लस मैनुअल वाला वेरिएंट है भाई, जो 12 सीसी इंजन के साथ में आता है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। इसका काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी भाई, इस वीडियो का मतलब इस गाड़ी का वीडियो बनाओ, तो उसके लिए ये गाड़ी स्पेशली मैं आपके लिए वीडियो रिक्वेस्ट के ऊपर लेके आया हूँ। बाकी और कोई वीडियो देखना चाहता है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर वो गाड़ी होगी तो डेफिनेटली उसका वीडियो आ जाएगा आपके लिए। बाकी कोई सवाल आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कि वीडियो मेरे चैनल के ऊपर भाई आती रहती है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। अब शुरुआत करते हैं भाई, सबसे पहले तो इसकी चाबी से शुरुआत करते हैं। तो ये वाली स्मार्ट की आ जाती है इसके अंदर, इसमें आपको लॉक का, अनलॉक का और डिग्गी ओपन करने का स्विच मिल जाता है, इस तरीके की चाबी आती है। और ये आप देख सकते हैं इसमें जो स्टार्ट करने का बटन था वो नहीं है, बस बाकी पुश बटन स्टार्ट मिलेगा आपने को इस वेरियंट के साथ में। तो ये वाली चाबी आती है, दोनों सेम देखने के लिए मिलती हैं। अब और डिटेल से शुरुआत करते हैं भाई, सभी लोग बोलते हैं जैसे कि ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, तो भाई देखते हैं क्या क्या इसके अंदर, प्राइस आने के बाद ही पता चलेगा भाई एस टी के वैल्यू फॉर मनी है के प्लस वैल्यू फॉर मनी है। पर इसके फीचर्स के बारे में आपको पूरा गाइड कर दूंगा, क्या क्या फीचर इन मॉडलों के साथ में एस टी के प्लस में आ रहे हैं। तो इस गाड़ी के अंदर एस टी के प्लस में आपको सारे कलर मिलेंगे, ब्लैक, इंपीरियल ब्लू, ग्रे, सब कुछ मिलेगा भाई, सिर्फ मैट कलर को छोड़ के। तो फ्रंट लुक से शुरुआत करते हैं, और भाई सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं इसके जो डी आर एल्स है, वो भाई इसके अंदर डी आर एल्स ऐड हो चुके हैं एस टी के प्लस मॉडल के साथ में। यहाँ से आप देखेंगे तो ये डी आर एल्स आते हैं स्टार मैप शेप के अंदर आते हैं, डबल बैरल की लाइट मिल जाती है आपको लो बीम के लिए, और हाई बीम के लिए सेटअप आ जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट मिल जाती है भाई, और यहाँ पे आपको एलईडी के अंदर फोग लाइट मिल जाती है। तो भाई फोग लाइट एलईडी हो चुकी है, डी आर एल्स आ चुके हैं, तो ये वाली चीज़ है। बाकी इससे नीचे वाले मॉडलों के अंदर अपने को यहाँ पर पार्किंग बल्ब मिल रहा था, कोई भी फोग लाइट नहीं थी, तो इसके अंदर एक फोग लाइट ऐड हो चुकी है, डी आर एल से ऐड हो चुके हैं। ऑटोमेटिक हेडलाइट हमें एस टी के मॉडल से मिली गई थी। यहाँ पे देखेंगे तो एक ग्रिल जो आप देख रहे हैं ये पियानो ब्लैक हो जाती है एस टी के प्लस के साथ में। पहले जो आ रही थी वो आ रही थी भाई इसके अंदर मतलब मैट कलर के साथ में आ रही थी, अभी इसको क्या कर दिया गया है भाई, ये पूरा पियानो ब्लैक कलर के साथ में होगी, तो गाड़ी का दिखने में लुक अच्छा हो जाता है। बाकी सिल्वर कलर की आपको यहाँ पे टाइगर नोज जो फेस है वो देखने के लिए मिलेगा। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे भाई फ्रंट स्कर्ट प्लेट आ जाती है, लोअर ग्रिल है, फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे मेनली जो चीज़ चेंज हुई वो भाई इसके अंदर आप कह सकते हो कि डे टाइम रनिंग लाइट्स है और एलईडी फोग लाइट्स है, तो ये दो मेजर चेंजमेंट हुए हैं, और ग्रिल का भी एक कलर का चेंजमेंट हो जाता है, फ्रंट में यही मिलेगा। अब बात करते हैं गाड़ी की डायमेंशन की भाई, तो जो डायमेंशन आती है वो 3995 mm की आती है, और जो गाड़ी की विड्थ है वो 1790 mm की आती है, हाइट है वो 1642 mm की देखने के लिए मिलेगी अपने को, और जो गाड़ी का व्हील बेस है वो मिल जाता है अपने को 2500 mm का आ जाता है भाई। साइड प्रोफाइल आप गाड़ी का देख सकते हैं, ये पैसेंजर साइड का प्रोफाइल आ जाता है, ब्लैक गाड़ी है, ब्लैक डोर हैंडल हो चुके हैं, अलॉय व्हील नहीं मिलते हैं इसके अंदर, वही फ्लैक्स व्हील आते हैं जो एस टी के मॉडल से अपने को मिलने स्टार्ट हो जाते थे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं भाई, ये वाले डिज़ाइन के व्हील कवर्स आ जाते हैं इसके अंदर, दिखने में प्रॉपर भाई अलॉय व्हील के जैसे ही है, पर एक्चुअल में ये व्हील कवर्स ये, पर कोई बता नहीं पाएगा भाई, ना ये आवाज़ करते हैं रोड पर चलते हुए, ना कोई और दिक्कत है। टायर सेक्शन दिखाऊँ, 215/60 R16 का देखने के लिए मिल जाता है, फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम स्टैंडर्ड मिलता है इसके अंदर। ये वाली चीज़ है, गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 205 mm का आता है, तो भी अच्छी चीज़ है। अब इसके अंदर जो चीज़ ऐड हुई है एस टी के प्लस का, लोकल लुक पे इस मिरर आप फोल्ड अनफोल्ड कर पाएंगे, इंडिकेटर यहाँ पर आ जाते हैं, इसे नीचे वाले मॉडल में इंडिकेटर यहाँ पर आ रहे थे। सिल्वर कलर की रूफ रेल्स मिल जाती है इसके अंदर, तो ये पूरा सिल्वर है, टॉप मॉडल में ये ब्लैक हो जाती है, बाकी डोर हैंडल भी आपको बॉडी कलर ही मिलेंगे। 45 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, रियर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे, डिस्क ब्रेक इनके अंदर नहीं मिलेंगे, एस टी एक्स मॉडल से डिस्क ब्रेक मिलेंगे, तो रियर में ड्रम ब्रेक मिल रहे हैं इस मॉडल के साथ में। अब रियर का प्रोफाइल दिखाता हूँ, तो भाई रियर का प्रोफाइल आप देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर आ जाता है। यहाँ पर इसके अंदर आपको ये देख सकते हैं भाई, कनेक्टेड टाइप की इसके अंदर टेल लाइट मिल जाती है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है, और अभी धूप निकली हुई है तो थोड़ा सा कम विजिबल होगा, पर रात के टाइम में भाई गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पीछे से मतलब अपीलिंग लगती है, रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, दिखने में काफ़ी अच्छी है, ट्रेंड भी चल रहा है कनेक्टेड लाइट का, तो वो वाली चीज़ मिलेगी। अब बात करते हैं ऊपर, तो भाई यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, और ये भी भाई बॉडी कलर का आता है, जैसे ब्लैक गाड़ी है ब्लैक रहेगा। हाई मोटर स्टॉप लैंप आता है, डिफोगर आ जाते हैं, वाइपर की कोई प्लेसमेंट नहीं है, ना ही वॉशर आते हैं, सेंटर में किया का लोगो आता है, सोनेट की बैजिंग है। यहाँ पर मैनुअल गाड़ी में आपको कोई बैजिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ जो अपने IMT मॉडल है ऑटोमेटिक है उन पे ही मिलेगा, बाकी किसी पे कोई वो नहीं मिलेगा। रियर में स्किड प्लेट है, दो पार्किंग सेंसर आते हैं, रियर पार्किंग कैमरा आता है भाई, वो भी जो आता है एडजस्टेबल गाइडलाइन के साथ आता है, तो वो वाली चीज़ मिलेगी। ये जो दो आप देख रहे हैं दोनों साइड में रिफ्लेक्टर है, रिवर्स करेंगे तो ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी,
बाकी इंडिकेटर की लाइट अभी आप देख ही रहे हैं चल रही है। ब्रेक दबाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये डार्क हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेल गेट ओपनर आता है, यहाँ से जो बूट स्पेस है वो मिलेगा इसके अंदर हमें, 385 लीटर का बूट स्पेस आ जाता है। तो इसके अंदर भाई एक फैमिली का लगेज आराम से कैरी कर सकते हैं। पार्सल सेल्फ HTK प्लस मॉडल में अब आपको नहीं मिलेगी, जो पार्सल ट्रे लगवाना चाहते हैं एक्सेसरीज में लगवा सकते हैं, बाकी STX मॉडल से पार्सल ट्रे आएगी। अब सीटों के अंदर में भी यहाँ पे दो फिक्स वाले हेडरेस्ट मिलते हैं और यही चीज़ मिलेगी भाई, कोई भी लगेज लाइट वगैरह का ऑप्शन नहीं है, STX मॉडल से जाके वो स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं भाई ड्राइवर साइड की, ड्राइवर साइड भी ऑलमोस्ट हर चीज़ सेम मिलेगी, सिर्फ फ़र्क आ जाता है भाई यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा अब आपको, जो पहले STX मॉडल से मिलता था अब K प्लस में मिलेगा। तो गाड़ी से यहाँ से आप लोग अनलॉक कर पाएंगे, जैसे अभी मैंने किया तो मिरर्स फोल्ड हो गए, अनलॉक करेंगे तो अनफोल्ड हो जाएंगे, ये वाली चीज़ यहाँ पे मिलेगी। इंटीरियर पूरा ब्लैक आएगा इसके अंदर, पूरा ही ब्लैक आता है भाई दिखने के अंदर, देख सकते हैं आप ये रियर सीटें हैं और ये इंटीरियर जो है वो पूरा ब्लैक आता है। सिल्वर गार्निश आपको हर जगह मिलेगी गाड़ी के अंदर, चारों पावर विंडो आ रही है। ड्राइवर वाली एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ड्राइवर वाली वन टच अप एंड डाउन फीचर के साथ में मिल जाएगी, एंटी पिंच भी आ जाएगा इसके अंदर, जो कि इससे नीचे वाले मॉडल में किसी के साथ में नहीं आ रहा था। चारों विंडोज में लाइट का ऑप्शन आता है, मिरर फोल्ड एंड फोल्ड का स्विच अब ऐड हो चुका है, चार स्पीकर दो ट्विटर आते हैं, इससे नीचे वाले मॉडल में भी सेम ही आ रहे थे। उसके अलावा ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है, सीटें आती है सेमी लेदर रेट, साइड के अंदर लेदर आता है, सेंटर के अंदर फैब्रिक आता है, 6 रुपये गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड हो चुके हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह स्टैंडर्ड है, तो 15 ऐसे सेफ्टी फीचर है जो गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड हो चुके हैं। और एयरबैग की बताऊँ तो भाई दो फ्रंट में है, दो साइड सीटों के अंदर एयरबैग है, और यहाँ पे आपको दो मिलते हैं पिलर्स के ऊपर एयरबैग जो कर्टन वाले होते हैं वो। अब और अंदर चलते हैं और गाड़ी के बारे में यहाँ से बात करते हैं भाई। तो सीट मैंने मैक्सिमम पीछे कर लिया है ताकि आपको व्यू अच्छा मिल जाए इसका, ये डैशबोर्ड का व्यू देख सकते आप, STK+ मॉडल के साथ में ये व्यू आया था। और STK और K+ के अंदर भाई मेनली यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर दिखाऊं तो ऑटोमेटिक AC यूनिट का फ़र्क है, पुश बटन स्टार्ट का फ़र्क है, ये मेनली फ़र्क आ जाता है। और अब डिटेल से बताते हैं क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो भाई यहाँ पे आपको जो मिलता है वो मिलता है पुश बटन स्टार्ट का स्विच आ जाता है, उसके साइड में ट्रैक्शन कंट्रोल का आ जाता है, ये भी मतलब स्टैंडर्ड हो चुका है, फ्रंट पार्किंग सेंसर का आता है, ISG को ऑन ऑफ करने का स्विच आ जाता है, और हेडलाइट लेवल आ जाता है। यहाँ पर भी देखेंगे पूरा पियानो ब्लैक कलर यूज़ किया गया है, ये भी ज़्यादा काफ़ी प्रीमियम मतलब नज़र आ रहा है। यहाँ पे AC के वेंट देख सकते हैं कुछ इस तरीके के आएंगे इसके अंदर, और इनके ऊपर भी डिज़ाइन है वो भी मतलब अच्छा रखा गया है, तो दिखने में मतलब अच्छा लग रहा है। ये स्टेयरिंग नॉर्मल आता है, डीकट वाला नहीं है, सिल्वर गार्निश यहाँ पे यूज़ की गई है। स्टेयरिंग के अंदर टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है तो आप ऊपर नीचे इसको एडजस्ट कर पाएंगे। क्लस्टर वही सेम आ रहा है भाई, जो क्लस्टर चेंज किया है वो STX प्लस मॉडल से चेंज हुआ है, उसके नीचे सभी के अंदर वही क्लस्टर मिलेगा अपने को। यहाँ पे पूरी डिजिटल स्पीड आती है इसके अंदर, RPM यहाँ पे है, पेट्रोल वाली है तो 8000 RPM दिख रहे हैं आपको, डीजल होता है 6000 RPM होते हैं। स्पीड यहाँ पे दिखाएगा, जो रेंज है गाड़ी की वो वहाँ पे शो कर रहे हो, 23 लिखा रहा है। ट्रिप ए ट्रिप बी वो सारी चीज़ें हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस वाले स्विच से। तो यहाँ पे टैप करेंगे, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाएगा, कुछ सेटिंग्स वगैरह वो आ जाएगी, ट्रिप बी यहाँ से आ जाएगी, सिंस रिफ्यूलिंग वो जो चीज़ है वो यहाँ से आ जाएगी भाई, और करंट ट्रिप का वो सारी चीज़ें यहाँ से मतलब इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। इनसे ऊपर नीचे कर सकते हैं हम इनको, और यहाँ से ओके कर सकते हैं, ये वाली चीज़ मिलेगी। इसको लॉक करते हैं, हुड वहाँ से ओपन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों पैडल है, ABC पैडल मिल जाते हैं, फ्यूल टैंक यहाँ से ओपन होगा। अब म्यूज़िक सिस्टम की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो 8 इंच का म्यूज़िक सिस्टम है वो आ जाता है, सेम यही म्यूज़िक सिस्टम STK में मिल रहा है अपने को, और STK+ STX सभी के अंदर यही मिल रहा है। इसका खासियत बताऊँ तो भाई एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस ही चला पाएंगे, और इसकी म्यूज़िक क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो इसके भी मैंने शॉर्ट्स वगैरह अपलोड किए हुए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, वो आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में जाके, या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक AC की यूनिट मिल जाती है इसके अंदर जो आपको मिलेगा, ये जो पूरा यूनिट है इसको चेंज कर दिया गया है, अब तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अब ये और भी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है भाई, पहले प्रीमियम था पर अब और भी ज़्यादा प्रीमियम हो चुका है, क्योंकि आजकल टाइम चल रहा है वो कुछ इस तरीके के स्विचेस वाला चल रहा है, जहाँ पे मतलब कि आप यहाँ से इसकी फैन स्पीड बढ़ा घटा सकते हैं, AC ऑन ऑफ करना है वो यहाँ से हो जाएगा, ऑटो टेम्परेचर जो कम करना है वो ज़्यादा करना है वो ऑफ करना है, ये डायरेक्शन वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा नया आ चुका है, यहाँ पे AC के वेंट मिल जाते हैं आपको, उसके नीचे यहाँ पे आपको माइक की प्लेसमेंट मिल जाएगी भाई यहाँ पे, और एक माइक और आता है जो कि यहाँ पे मिलते हैं हमें, यहाँ पे माइक आ जाते हैं दो जो आते हैं इनके अंदर, एक के अंदर माइक होता है
और एक माइक यहाँ पे मिल जाता है, तो ये वाली चीज़ मिलेगी। अब यहाँ पे फ़ोन रखने का स्पेस है और उसके नीचे टाइप सी पोर्ट है, 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पे यूएसबी का है। 5 गियर के साथ ये गाड़ी आती है, 1.2 के साथ में। डीजल में अपने को 6 गियर मिलेंगे पर पेट्रोल के अंदर 5 गियर के साथ आती है। रिवर्स गियर एक अलग से होता है। सिल्वर गार्निश यूज़ की गई है चौगड़ों में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरा ये सिल्वर गार्निश आ जाती है। यहाँ पे जो मिलेंगे एक कप होल्डर, फ़ोन होल्डर और ग्लास होल्डर, आर्मरेस्ट आता है, इस पर भी लेदर का यूज़ किया गया है और इसके नीचे भी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा अपने को। मिरर आता है, डे नाइट एडजस्टेबल वाला मिल जाता है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनुअली सेट कर सकते हैं। सनग्लास होल्डर है यहाँ पे और यहाँ पे लाइटें आ जाती हैं, हैलोजन के साथ में हैं। इनको आप इंडिविजुअल भी ऑन कर सकते हैं या डोर्स वगैरह पे रख के ऑन करना चाहते हैं वैसे भी कर सकते हैं। माइक की प्लेसमेंट यहाँ पे आ रही है। इस साइड में एक वैनिटी मिरर मिल रहा है अपने को और इस साइड में एक टिकट होल्डर मिल जाता है। जो स्पेस अगर मैं दिखाऊँगा आपको तो यहाँ से इतना ये कवर कर लेता है, हल्का सा स्पेस यहाँ पे रह जाता है, वो वाली चीज़ मिलेगी भाई। डैशबोर्ड आप देख ही सकते हैं, पहले के जैसा ही डिज़ाइन है, कोई चेंज नहीं किया गया है। सिर्फ जो चेंजमेंट हुआ है वो यहाँ पे इस एसी यूनिट का हुआ है और पुश बटन स्टार्ट का और ट्रैक्शन कंट्रोल, 6 एयरबैग, ये इंटीरियर के अंदर चेंजमेंट हुआ है। टाइप सी पोर्ट आ गया, काफ़ी अच्छी बात है भाई, ये आजकल हर ब्रांड टाइप सी पे शिफ्ट हो चुके हैं, तो टाइप सी देना एक अच्छी बात आती है, फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। हर फ़ोन के अंदर टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा अपने को, तो एक ही केबल रख लो, 36 रखने की जरूरत नहीं होती। अब रियर सीट पे चलते हैं, वहाँ पे दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो ये रियर आ जाता है भाई गाड़ी का, मतलब पिछले वाली सीट आ जाती है। यहाँ पे सनशील्ड कर्टन मिल रहे हैं अपने को प्राइवेसी के लिए, पावर विंडो के स्विच, स्पीकर है, बोतल रखने के लिए स्पेस आ जाता है, छोटी वाली बोतल भी रख सकते हैं यहाँ पे, वो वाली चीज़ है। यहाँ से अगर मैं पूरा दिखाऊँ आपको तो कुछ इस तरीके का व्यू आएगा। दो फिक्स वाले इसके अंदर है, हेडरेस्ट मिल रहे हैं तीनों बंदों के लिए, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, ELR सिस्टम वाली। और यहाँ पे अगर और अंदर चल के बात करते हैं तो भाई इसके अंदर सीटों का कंफर्ट भी अच्छा है, जो कुशनिंग वगैरह है वो भी अच्छी रखी गई है, मतलब क्वालिटी कहीं ना कहीं आपको मतलब फील होगा जब आप बैठेंगे तो, मतलब इसको सॉफ्ट किया गया है तो बैठने के अंदर लंबे टाइम भी बैठेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे रियर एसी वेंट मिल जाते हैं दो और उसके नीचे दो टाइप सी के पोर्ट मिल जाते हैं और कुछ स्पेस मिल जाता है अपना छोटा मोटा सामान रखने के लिए। सेंटर के अंदर थोड़ा सा हम्पी है, जो बीच वाला बंदा बैठेगा वो यहाँ पे पैर रख के नहीं बैठ पाएगा, एक पैर उधर और एक पैर इधर रख के बैठना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी पॉकेट का ऑप्शन नहीं है ड्राइवर सीट के पीछे, पर यहाँ पे आपको दो पॉकेट मिल जाती है, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली पॉकेट मिल जाती है। और आई थिंक ये सफिशेंट रहती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, पर अगर कोई मिलती तो वो चीज़ ड्राइवर सीट के पीछे भी रख सकते हैं भाई। यहाँ पे यही चीज़ें हैं, यहाँ पे सेंटर में एक लाइट का ऑप्शन आता है और यहाँ पे एक कोट हैंगर देखने के लिए मिल जाता है अपने को, कोई सामान वामान हैंग करना हो। यहाँ से अगर डैशबोर्ड का लुक देखेंगे तो भाई कुछ इस तरीके का आएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका ऑडियो सिस्टम वगैरह सुनना चाहते हैं तो आप, बाकी एक बार इंजन और दिखाते हैं फिर इस वीडियो को क्लोज करेंगे। ये देख सकते हैं भाई इसका जो इंजन आता है 1.2 लीटर का आता है, 1197 cc का इंजन होता है, ये 4 सिलेंडर इंजन है। उसके अलावा अगर पावर की बात करते हैं तो भाई 83 PS या 61 kW, मतलब 61 kW की पावर बनाता है ये 6000 RPM के ऊपर। उसके अलावा टॉर्क की बात करते हैं तो 115 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है ये 4000 RPM के ऊपर। और माइलेज की ऑलमोस्ट मतलब 18.5 का लगभग क्लेम किया जाता है और ऑलमोस्ट आप मतलब हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो इतना माइलेज आप इस इंजन से निकाल भी सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा साइलेंट और रिलायबल इंजन है, काफ़ी हुंडाई की कार के अंदर ये इंजन यूज़ होता है, अब भी यूज़ होता है भाई, तो काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी साइलेंट है, पता भी नहीं चलता है इंजन का। बाकी NVH को कंट्रोल करने के लिए कुछ चीज़ें दी नहीं गई अलग से, तो ये था। बाकी एक बार एक डिटेल में और बताता हूँ क्या क्या डिफरेंस है, तो आपको याद रह जाएगा क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है। तो मैं मेनली बताता हूँ कि ST K से और K प्लस में अगर आप मतलब अपग्रेड करते हो वो डिपेंड करेगा प्राइसिंग के ऊपर, भाई प्राइसिंग क्या आती है, क्या गैप रहता है गाड़ी के अंदर, K और K प्लस के ऊपर कितना गैप रखते हैं। तो मोस्टली जहाँ तक मुझे लगता है कि प्राइस गैप वो हल्का कम ही रखेंगे ताकि ST K प्लस मॉडल भी सेल हो, वरना सभी लोग ST K मॉडल के साथ में चले जाएंगे। तो सबसे पहले भाई जो चीज़ चेंज होती है इसके अंदर फ्रंट में वो है डे टाइम रनिंग लाइट, गाड़ी की लुक को भाई अलग ही इन्हेंस कर देते हैं। और जो है IQ फोग लाइट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो ऐड की गई है। ये दो चीज़ें मेन है भाई फ्रंट के अंदर जो चीज़ चेंज की गई है। बाकी साइड में बताऊँ आपको तो साइड के अंदर भाई जो मेन चीज़ है वो आ जाता है अपना भाई पुश बटन स्टार्ट और रिक्वेस्ट सेंसर, ये चीज़ चेंज हुई है। लोकल लोक पे मिरर फोल्ड अनफोल्ड होंगे वो वाली चीज़ आ जाती है भाई। और इंटीरियर में बात करें तो भाई ऑटोमेटिक AC आ गया अपना, पुश बटन स्टार्ट है, ये मतलब मेन चीज़ें हैं। ड्राइवर विंडो है वो 1 टच अप एंड डाउन के साथ आ जाती है, तो ये मेन चीज़ें हैं। अब प्राइस आने के बाद आप कंपेयर कर सकते हैं भाई कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी है। इंडिकेटर का एक मेन रीज़न आता है सेकंड मॉडल के साथ में कि इंडिकेटर यहाँ पे उसमें इसमें यहाँ पे आता है, तो ये एक मतलब मेजर पॉइंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है। बाकी आपका जो ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।
और कौन सा मॉडल का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।